हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए एक वर्कशीट लेके आई हूँ जिसमें आपको पर्यायवाची शब्द ढूंढने हैं। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? पर्यायवाची शब्द वो होते हैं जो शब्द तो अलग अलग होते हैं पर उनका मतलब अलग होता है। जैसे हम पानी को जल भी बोलते हैं, नीर भी बोलते हैं। नाम उनके हो गए अलग पर उनका मतलब क्या हो गया? एक, यानी कि पानी, वॉटर। वैसे ही यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, हम उनके पर्यायवाची वहां से ढूंढेंगे। तो पानी, पानी का पर्यायवाची क्या होता है? पानी का पर्यायवाची है हमारा जल, चमक, इज्जत। तो क्या होगा? जल, मतलब हम वॉटर को पानी और जल दोनों नाम से बोलते हैं। उसके अलावा शून्य, शून्य का पर्यायवाची क्या होगा? अभाव, निराकार, आकाश। शून्य का पर्यायवाची होगा हमारा अभाव, क्योंकि शून्य का मतलब भी कुछ नहीं और अभाव भी कुछ नहीं, यानी कि किसी चीज की कमी। उसके बाद पट, पट का पर्यायवाची होगा हमारा पर्दा, दरवाजा, वस्त्र। पट हम बोलते हैं अपने गेट को, तो गेट से रिलेटेड क्या है? दरवाजा। नेक्स्ट हमारा गज, गज हाथी या माप की एक इकाई, तो गज होता है हमारा हाथी, यानी कि एलिफेंट। उसके बाद अंक, अंक का मतलब नंबर, तो हिंदी में हमारे संख्या या गोल, तो वो होगा हमारा संख्या। नेक्स्ट है अर्थ, अर्थ का पर्यायवाची क्या होगा? धन, आश्रय, प्रयोजन। धन नहीं हो सकता, आश्रय होता है एक रहने की जगह, तो वो भी नहीं हो सकता, तो लास्ट हमारा प्रयोजन। प्रयोजन का मतलब भी क्या होता है? मीनिंग, और अर्थ का मतलब भी मीनिंग, तो इसका पर्यायवाची क्या हुआ हमारा? प्रयोजन। ठीक है, आप इनको, मैंने आपको उनके आंसर आपको ढूंढ दिए, तो आप उनको लर्न करना शुरू कर दीजिए। थैंक यू।